Hello friends, my name is Rajesh Nair. I am a primary teacher in Demonstration Multipurpose School, Bhopal. Today in this session, we are going to take a chapter from the NCERT textbook of class 3. The name of the chapter is Can We Share? And the topic we are concentrating on is how to introduce division in class 3. So to learn, discuss and to conduct the activities, I am having two friends with us. Let's have their introduction. My name is Sal Alvin. Good. My name is Yogita Nandev. Okay. Yogita Nandev and Sal Alvin. Today we will be learning something about Can We Share chapter. So, what kind of things do you share? Do you share things? Yes. We share lunch in the school. Yes? Yes. So, suppose today is my birthday. Today is my birthday. I'm going to celebrate my birthday. So this is a cake. I will cut it and give it to you. Okay? So we will sing and celebrate my birthday. Okay? I will cut the cake and give it to you. Okay? So I'm cutting it. Happy birthday to me. Happy birthday to me. One for you. Thank you. This is for you and I'm keeping this for me. ये क्या केक का पीस सबको बराबर दे दिया ना मैंने? No. किसको कम दिया, किसको ज्यादा दिया? मुझे तो कम मिला है. आपको? आपको भी कम मिला है? Yes. मेरा बर्थडे है ना, इसलिए आज मैंने ज्यादा रख लिया. तो दिस इज नॉट इक्वल, दीज पोर्शंस आर नॉट इक्वल. ये बड़ा है, ये छोटे हैं दोनों पीसेस. सो दीज आर नॉट डिवाइडेड इक्वली. सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू डिवाइड थिंग्स. व्हाट इज डिविजन? डिविजन का मतलब होता है यू हैव टू डिवाइड द थिंग्स इक्वली इनटू ग्रुप्स और पार्ट. सो ये केक का पीस तो इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है ना. सो नाउ वी आर गोइंग टू कट अनदर केक. ये केक का पीस मैं ले लेता हूं. नाउ आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू इक्वल पार्ट्स. नाउ दिस इज वन मोर केक आई एम हैविंग. नाउ अगेन वी विल बी कटिंग दिस. ओके, अगेन वंस अगेन वी विल सिंग हैप्पी बर्थडे टू मी. Happy birthday to me. Now, listen, take this cake. One for you, one for me, and one for my friend who will be coming in just a few moments. Okay? So now I have cut the cake equally or not? Equally. Equally. So how many pieces I was having? पहले मेरे पास कितने pieces थे? Four. अब कितने groups में बांट दिए मैंने इसको? हर ग्रुप में कितने पीसेस है? One. इससे पहले तो नहीं हुआ था ऐसा. हाँ, so, early, तीन pieces थे. बड़े थे, एक बड़ा था, बाकी दो छोटा था. Now I have divided it equally. So how many pieces I was having? Four pieces. मेरे पास पहले कितने थे? Four pieces थे. और division जो आपको बताया, it is a method to divide equally. डिवाइड का साइन कैसा आपको पता है ना? प्लस का साइन क्या होता है, माइनस का साइन क्या होता है, इनटू का साइन क्या होता है. नाउ दिस इज वन मोर मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसका नाम है डिवाइड. सो डिवाइड का साइन क्या होता है? एक लाइन होता है सब्ट्रैक्शन का और ऊपर नीचे डॉट्स होते हैं. सो फोर पीसेस थे हमारे पास और हमारे पास प्लेट्स कितने थे? फोर ग्रुप्स. सो वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस फोर पीसेस इंटू फोर ग्रुप्स. सो हर एक ग्रुप में कितना मिल रहा है देखिए, हर ग्रुप में कितना है? वन. सो फोर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू एट. हाउ मेनी पीसेस इन वन प्लेट बताइए? एट और वन, हाउ मेनी पीसेस? ओनली वन. सो फोर डिवाइडेड बाई फोर इज वन. इज इट क्लियर? नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. सो लेट कीप दिस प्लेट्स असाइड. सो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? काउंट इट. Sela, okay. Please, you count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are total 12 triangles. Now we will divide this into 3 parts. How many parts? 3 parts. Let's, and you have to divide it equally. बराबर बांटना पड़ेगा इसको. पहले केक की तरह नहीं होगा कि कम ज्यादा है ना. तो वन बाई वन हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको डिवाइड करेंगे. सो लेट्स मेक थ्री ग्रुप्स. एक आप ले लीजिए, एक आप ले लीजिए और एक मैं अपने पास रख लेता हूं. ठीक है, दीज आर थ्री ग्रुप्स. ओके,
Now one by one, you will be taking the triangles and you will fix it on your page. Okay. आप एक ट्राइंगल लीजिए, आप भी लीजिए, हो गया? आप रख दीजिए ट्राइंगल्स को. Now Sela, it is your turn. रख दो उस पे. हाँ, yes. Sela, एक और पिक करिए ट्राइंगल. Now Yogita, your turn. Now it is my turn. Now Sela, your turn. Yogita. Now it is my turn. Sela, your turn. Yogita. And last is my turn. So अब हमारे पास कितने triangles थे? 12 triangles we were having. Now कितने groups बनाए? 1, 2, 3 groups हैं. आपके group में कितने triangles हैं? 4 triangles. So we will write it like this. हमको लिखना चाहिए. कैसे लिखेंगे? 12 triangles हैं हमारे पास. 12 divided by कितने groups बनाए? 3 groups बनाए. 12 divided by 3 is equal to how many? देखिए हर group में कितने हैं? Count करिए. 1, 2, 3, 4 is equal to what? 4. 12 divided by 3 is equal to 4. Clear हो गया? So division आपको समझ आया? क्या होता है division? What is division? Distributing the things equally into groups. अब हमारे पास कितने group थे? 3 group थे. Suppose एक और group हो जाता, तो फिर हमको एक और group बनाना पड़ता और distribute करना पड़ता, है ना? अच्छा. Suppose ये सारी चीजें हम लोग अगर in case ये सारी चीजें एक group में हो, अब आपसे बोलें ये सारे ये 12. अब बेटा एक काम करते हैं, हम लोग फिर से इन सबको रीअरेंज करते हैं. एक एक करके वापस रखें. पहला आपका टर्न था, रख दीजिए वापस एक एक करके. नाउ इट वॉज माई टर्न, आई एम कीपिंग इट. नाउ योर टर्न योगिता. यस, रख दीजिए. हाँ रखें. यस, वन मोर टाइम. ठीक है. अब नाउ वन मोर थिंग. अब इसको हम एक काम करते हैं, चार ग्रुप में बांट के देखते हैं. कितने ग्रुप में? फोर ग्रुप. सपोज दिस इज वन मोर ग्रुप फॉर माय फ्रेंड. अब एक एक करके फिर से आप लीजिएगा. दिस इज फॉर माय फ्रेंड, दिस इज फॉर मी एंड सेला, यू टेक इट. दिस इज फॉर माय फ्रेंड एंड दिस इज फॉर मी. Sela, you take it. Yogita, this is for my friend and this is for me. Yes. Now see how many triangles are there. अब कितना था पहले यहाँ पे? 12. अब हमने कितने groups बनाए? 4. 4 groups. Earlier it was 3 groups. Now it is 4 groups. Now see how many triangles are in each group. कितने triangles? 3. 6. 6. Oh, sorry, 3. 3. 3. 3 in my group, 3 in your group, 3 in Yogita's group, 3 in my friend's group. So I have divided how many? 12 triangles ko I have divided into how many groups? 4 groups. So har ek group mein dekhiye kitna hai? 3. Is it clear? Ab apan wapas se ek aur bar karte hain aur ek bahut important property ki taraf chalte hain. Wapas rakhte hain. Ek mera, ek mere dost ka. Ab Sela, aap देखिए. अब एक काम करते हैं, ये चार्ट्स को हटा देते हैं. ठीक है सर, ओनली वन विल बी लेफ्ट. अब आपसे बोला इस पूरी चीज को कितने ट्राइंगल्स हैं? 12 ट्राइंगल्स हैं. इसको एक ही ग्रुप में रखना है, इसको एक ही ग्रुप में रखना है. ग्रुप आपका ये रहा, रखो एक ही ग्रुप में. यस यस, Now you can see कितने थे उस ग्रुप में? 12. Total there were 12. अब वो सारे triangles को एक ग्रुप में shift कर गया. 12 को सिर्फ हमने कितने ग्रुप में रखा? एक ग्रुप में. So 12 triangles I have divided them in, I have kept them into one group. 12 divided by कितने groups?
वन ग्रुप तो कितना आया देखें यस 12 इन द सेम वे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास आई है क्या होता है किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर खुद आ जाता है सो 12 डिवाइडेड बाय 1 इज 12 सपोज यहाँ पे अगर कुछ ट्रायंगल्स होते हैं उसको 1 से डिवाइड करते तो क्या होता वही ट्रायंगल दोबारा आ जाता यहाँ 12 थे इस ग्रुप में भी कितना आ गया 12 सो 12 डिवाइडेड बाय 1 इज 12 6 डिवाइडेड बाय 1 इज 6 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10 सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी चीज को आप 1 से डिवाइड करोगे यू विल गेट दैट नंबर इटसेल्फ 20 डिवाइडेड बाय 1 20 100 डिवाइडेड बाय 1 100 यस 1000 डिवाइडेड बाय 1 1000 500 डिवाइडेड बाय 1 500 1 से किसी को भी डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा वो नंबर सेम आ जाता है ना नाउ आई वाज सेइंग अबाउट वन मोर एक्टिविटी वी विल बी डूइंग ठीक है एक और एक्टिविटी से देखते हैं आप लोग गेम्स तो खेलते हैं यस सर खेलते हैं तो गेम्स खेलते हैं तो टीम तो बढ़ती है यस सर क्या-क्या गेम्स खेलते हैं फुटबॉल खेलते हो अच्छा और क्या खेलते हो क्रिकेट अभी तो लॉकडाउन चल रहा है अभी तो कुछ नहीं खेल पा रहे अभी तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे बेचारे बच्चे है ना तो देखिए सो फॉर डूइंग द एक्टिविटी आई एम हैविंग सम सर्कल्स ऑन एवरी सर्कल देयर आर सम नेम्स रिटन ये आपके दोस्तों के नाम लिखे हैं जरा पढ़ें दिस इज सूरज रवि जॉन राम मोना राजू टीपू रीता अब्दुल मेरी सोनू अली तो हमारे पास सब तरीके के बच्चे हैं सब हैं बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं सब मिक्स टीम बनानी है अभी बॉयज की अलग गर्ल्स की अलग नहीं बनानी है ठीक है सपोज दिस द गेम्स पीरियड आपको डिसाइड करना आपके आपकी क्लास में आप दोनों तो कैप्टन हैं आपके अलावा सिर्फ इतने बच्चे आए ठीक है कितने बच्चे हैं काउंट करें ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो 12 स्टूडेंट सो अब आपको अभी डिवीजन का रूल क्या था अभी डिवीजन हमने सीखा ना व्हाट इज डिवीजन इक्वल Equally. Yes. Distributing the things equally into groups or parts. So 12 students are there. You have to divide them into how many teams? Two teams. और कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि अपनी टीम मजबूत करने के लिए ज़्यादा रख लो बराबर बांटना है ठीक है अच्छा रूल क्या है आप लोग खेलते हैं तो टीम कैसे बांटते हैं कैप्टन ऐसे मारते हैं क्लैप करते हैं और अपना टीम मेंबर को अपनी शीट पर रख लेना फिर आप मारोगे सैला फिर अपने टीम में जो भी पसंद आ रहा है उसको अपने सो turn by turn we have to distribute them equally okay shall we start and then we will see how many members are there in each team aap team hai aap log nahi khelogi inse khilwaoge aap sir theek hai so shall we start okay now Sela you take the first chance Raju pick karo where is Raju yes aap apni team mein rakh lijiye now it is your turn yes aap taali mariye Suraj dekhiye kahan where is Suraj yes Suraj Ram. Ram. Where is Ram? Yes, there is Ram. It is, he is your friend. Yes. आपने उनको अपनी टीम में ले लिया. Now it is your turn. Yes. आप लीजिए. Rita. Where is Rita? Oh, good. फिर, now it is your turn. John. Where is John? Yes. Yes. Now it is your turn. Mary. So where is Mary? Yes. Here is Mary. Now it is your turn. Abdul. Yes. Now it is your turn. Sonu. Very Sonu. Yes. Sela, your turn. Ali. आपने अली को अपनी टीम में ले लिया. Yes. अब आप योगिता आप किसको टीम में लेंगे? Clap. Mona. Where is Mona? Yes. Now now Sela's turn. Ravi. Yes. Tipu. So now just see how many members you have got in your team. Six. So, कितने थे यहाँ members? 12. कितनी टीमों में बांट दिया? Two. So, divide के rule के हिसाब से क्या लिखेंगे? 12 को divided by 12 divided by कितने groups? Two. 12 divided by कितने groups? Two. तो हर एक group में कितने बच्चे? Six. आपकी टीम में कितने? Six. आपकी टीम में? Six. तो कितने की टीम बांट दी? Six का. कुछ फ्रेंड्स आपके पास आ गए कुछ फ्रेंड्स आपके पास आ गए तो डिवीजन हो गया डिवीजन का रूल क्या बोलता है यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली सो यहां 12 फ्रेंड्स थे सो यहां डिवाइडेड इट देम इक्वली इनटू टू ग्रुप्स 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 इन ईच ग्रुप आ गया समझ में आपको
Now, with one more activity, we'll learn something about division. Okay? This is one more chart I'm having. ये आपके को चार्ट दिख रहा है? So now take this two charts and we will keep aside. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं उस चार्ट में? देख रहे हैं क्या देख रहे हैं? देखो. So what is this? What can you see in the chart? There is a house and there are some steps. कितने steps हैं? Eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है? तो अब क्या होता है? ये ब्लैक मार्कर और ये ब्लू मार्कर, ठीक है, और एक मेरा ये फिंगर, ये तीनों के तीनों ये कंपटीशन करते हैं. अब क्या करते हैं? ये बोलते हैं कौन इस, ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस स्टार्ट एंड दिस इज फिनिश. अब ये बोलते हैं कौन पहले पहुंचेगा वहां पर. सो अब एट स्टेप्स को क्रॉस करना है. ये ब्लैक मार्कर बोलता है मैं तो चार स्टेप्स चढ़ सकता हूं एक साथ. कितना स्टेप्स? Four steps. This blue marker is saying I can jump two steps at a time. मैं दो बार jump कर सकता हूँ. कितना ले रहा है? दो बार. And this is taking four. और मेरा ये finger बोल रहा है नहीं भाई, मैं तो सिर्फ at a time one ही करूँगा. क्या ये अच्छी बात होती है? सीढ़ी, चार चार सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ जाना नहीं आता. ये blue भी कितना चढ़ रहा है? दो. क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि इससे हमें खतरा होता है. क्या खतरा? गिर सकते हैं. तो ये काम कभी करना नहीं है, है ना. अब आपको डिवीजन समझाने के लिए एक बार मैं आपको बताता हूँ, लेकिन नेवर डू दिस. कभी भी हमको सीढ़ी वन बाय वन ही चढ़ना चाहिए. दो दो चार चार सीढ़ियां एक साथ नहीं चढ़ना चाहिए, सिर्फ वो वन स्टेप एट ए टाइम. ओके, नाउ व्हाट दिस इज डूइंग, दिस ब्लैक मार्कर क्या बोल रहा था? कि मैं तो एक बार में फोर स्टेप. सो लेट्स स्टार्ट यहाँ से. ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है आपका. स्टार्टिंग पॉइंट ये ब्लैक मार्कर कितना चढ़ेगा? यहां से चढ़ेगा तो कहां पहुंचेगा पहले स्टेप में? यस. तो यहां से आ गया यहां तक, यहां तक आ गया. चलो हो गया चार स्टेप. अब बोलेगा मैं तो चार स्टेप चढ़ता हूं एक साथ. अब अगले में कितना जंप लगाएगा? कहां पहुंच जाएगा? फिनिश. तो यहां पहुंच गया ब्लैक मार्कर का. तो हो गया ब्लैक मार्कर पहुंच गया. तो ब्लैक मार्कर ने कितने स्टेप्स लिए? फोर स्टेप्स लिए. तो कितनी बार जंप करना पड़ा उसको? वन टू जंप्स, टू जंप्स में पहुंच गया. नाउ द ब्लैक मार्कर हैज कवर्ड दिस मच स्टेप्स इन हाउ मेनी जंप्स? टू जंप्स. नाउ इट इज द टाइम फॉर व्हाट? ब्लू मार्कर. ब्लू मार्कर ने क्या बोला था? मैं टू जंप्स, टू स्टेप्स. तो यहाँ से स्टार्ट करें. चलिए यहाँ से स्टार्ट कर, दिस इज द स्टार्टिंग. चलिए टू स्टेप में कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे. फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ पर, फिर यस. ना आप बताइए कितने जंप लगाए इसने? वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर. सो द ब्लू मार्कर कवर्ड दिस मच स्टेप्स इन हाउ मेनी जंप्स? फोर जंप्स. ना अब मेरी बारी आएगी. कितना ये फिंगर्स कितना कर रहा था? वन. एक एक सीढ़ी चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी चढ़वाओ इसको. एक सीढ़ी चढ़वाते हैं यहाँ से. यहाँ से क्या आएगा? वन. दिस इज वन स्टेप. वन यहाँ पे स्टार्टिंग. तो यहाँ फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. कितने जंप्स लगाए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है चढ़ने का. आराम से चढ़ोगे और आराम से पहुंच जाओगे. लेकिन ऐसे जंप करोगे तो गिरने का चांसेस जरा रिस्क होता है. सो हमने डिवाइड में क्या करा? इसमें एट स्टेप्स को इक्वली बांटा. ब्लैक मार्कर ने कितना कवर किया बेटा एट ए टाइम? फोर स्टेप्स. सो यहाँ देखिए, यहाँ था, जंप किया, वन टू जंप. तो सेला बताइए कितने स्टेप्स में कवर कर लिए यहाँ तक फिनिशिंग पॉइंट पे? फोर स्टेप एक बार में. और कितने स्टेप्स लग गए? टू स्टेप्स. ना योगिता आप बताओ, ब्लू ने क्या किया? ब्लू कितना मार्कर स्टेप्स ले रहा था एक बार? टू स्टेप्स. तो यहाँ से ले रहा था. So, ब्लू ने यहां से यहां तक कितने स्टेप्स में कवर कर लिया? फोर में. यस yes, है ना, यहां से यहां तक फोर में. अब सेला आप बताइए मैंने कितने में कवर किया? वन में. एक एक स्टेप लिया, वन टू, वन एट ए टाइम. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट स्टेप्स. ठीक है, एट स्टेप्स डिवाइडेड बाय एक बार में कितना चढ़ा मैं? एक स्टेप. एट डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू हाउ मेनी? Eight steps. So, मैं तो आराम से चढ़ रहा हूँ. 8 divided by 1,
इज इक्वल टू 8. अगर कोई तीन स्टेप से अगर तीन बार में चढ़ेगा 1, 2, 3 तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 3 डिवाइडेड बाई 1 इज 3. ना एक और चीज आप देखते हैं, अगर कोई ऐसा कोई आया बोलते है अरे यहां से यहां तक जाना कौन जंप करता है, अच्छा कंगारू जंप करता है ना कंगारू. हाँ. कंगारू बोलता है अरे ये तो मैं यहां से यहां तक सीधा एक ही बार में जंप कर लूं, 8 स्टेप्स कर लेता हूं मैं. कितना? 8 स्टेप्स एट ए टाइम. ठीक है, 8 स्टेप्स को मैं 8 स्टेप्स एट ए टाइम कर लेता हूं. सो 8 डिवाइडेड बाई 8 कितना जंप लगाएगा? एक ही जंप में पूरा कर लूंगा. बोलता मैं तो पूरा 8 स्टेप्स एट ए टाइम जंप कर सकता हूं. सो 8 डिवाइडेड बाई 8 इज 1. सो ये एक नई प्रॉपर्टी आपको पता चला. सो कभी भी अगर 3 स्टेप्स है, कोई बोलता है मैं तो ये 3 स्टेप्स पूरा एक ही बार में जंप कर जाऊंगा. सो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज हाउ मच 1. 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1. योगिता 2 स्टेप्स अगर कोई बोले मैं एक साथ जंप कर दूंगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1. 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1. ना अच्छा फिर से एक और, तो दो प्रॉपर्टी हमारे सामने आएगी. क्या आई? कि एक 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 करके अगर जंप करोगे तो एक एक स्टेप से डिवाइड करोगे तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने से क्या आता है? वही नंबर आता है. 2 डिवाइडेड बाई 1 2. 5 डिवाइडेड बाई 1 5. 10 डिवाइडेड बाई 1 10 डिवाइडेड बाई 1 10 डिवाइडेड बाई 1 इज 10. So, दो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, जरा ध्यान रखिएगा. किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा. अगर किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? 1. अभी जैसे कि कौन ले रहा था? 8 स्टेप कंगारू ले रहा था एक ही बार में. 8 को 8 से डिवाइड कर दिया, सीधा एक स्टेप कर रहा था, तो कितना हो गया? 8 डिवाइडेड इज 1. 100 डिवाइडेड बाई 100 इज 1. 5 डिवाइडेड 5 इज 1. 6 डिवाइडेड बाई 6 इज 1. सो किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1. और अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर वापस आ जाएगा. जैसे कि मेरा केस, कैसे? क्यों? मैं एक ही स्टेप जा रहा था हमेशा. सो 8 डिवाइडेड बाई 1 इज 8. 7 डिवाइडेड बाई 1 इज 7. सो व्हाट इज 15 डिवाइडेड बाई 1 15. 20 डिवाइडेड बाई 1 20. सो 2 प्रॉपर्टीज का आप ध्यान रखिएगा. 2 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिविजन में करा. अभी क्या करा? सीख लिया क्या? 5 डिवाइडेड बाई 1 5. And 5 divided by 5 1. So it was about division. Division आपको पता चल गया क्या? What is division? Division is distributing equally. आपको distribution करना पड़ता है, equal distribution. तो ऐसी चीजें तो हमको कई बार घर में करना पड़ता है. जब हमारे brothers, sisters सब रहते हो, सब बोलते क्या है? हमको बराबर चाहिए, थोड़ा इधर ना इधर होना चाहिए. तो हमें मालूम पड़ जाता है इसको कितने pieces में divide करना है. ठीक है, अगर 8 pieces हैं, अगर 2 भाई बहन हैं तो कितने कितने पीसेस मिल जाएंगे मालूम पड़ जाएगा ना, कितना पोर्शन मिलेगा एक को, है ना? ये सब हम डिवीजन से देख सकते हैं और रियल सिचुएशन में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. डिवीजन इट इज, यू कैन सी दीज ऑपरेशंस इन रियल लाइफ आल्सो. ओके, टुडे वी लर्न अबाउट डिवीजन. सो डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अर्थमैटिक ऑपरेशन अलॉन्ग विथ प्लस माइनस इनटू एंड टुडे वी लर्न डिवीजन. सो ये ऐसी चीज़ें हमने सीखी हैं जो हमारी लाइफ में होता रहता है, चीज़ों को कैसे कैसे बांटना. जैसे जैसे लेसन का नाम ही था कैन वी शेयर. कैन वी शेयर, हम कैसे कैसे बांटें, कैसे कैसे बांटें, कैसे कैसे किस हमारी लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब चीज़ों को हम एक दूसरे को बांटते हैं चीज़ों को. सो ये डिविजन के थ्रू हमने कई चीज़ें ऐसी सीखी लाइफ में कि कैसे बांटा जा सकता है. सो दिस प्रॉपर्टी आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम टुडेज एक्टिविटी.